बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तीन किस्म के जो घराने हैं सिर्फ उनको आहल किया गया है और उनकी ही यहां पर किस्त जारी की गई है, जबकि बाकी ख़ानदानों को यहां पर नाहल कर दिया गया है। मैं आपको यहां पर पोर्टल पर चेक करवा के सबसे पहले तो प्रूफ दिखाता हूँ कि हुकूमत की तरफ से आपको इस बार कितने कितने पैसे दिए जा रहे हैं और किन लोगों को यहाँ पर आहल किया जा रहा है और किन ख़ानदानों को यहाँ पर निकाला गया है। एक अंदाज़े के मुताबिक और ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि 50 लाख ख़ानदानों को अब इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है और उनको इस प्रोग्राम का अब हिस्सा नहीं रखा जाएगा और वो पैसे अब नहीं ले सकेंगे। तो इसमें कौन सी किस्म के घराने शामिल किए गए हैं जिनको यहाँ से निकाला गया है, क्या आपका नाम भी तो इस लिस्ट में मौजूद नहीं, अभी आप भी चेक कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ की जानिब लेकर चलता हूँ और वहाँ पर आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे हुकूमत की तरफ से लोगों को आहल किया गया और उनके अकाउंट में पैसे जमा करवाए गए। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे ख़ानदान जिनकी तादाद अंदाज़े के मुताबिक 50 लाख से तजावज़ करती जा रही है, जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया या उनको यहाँ पर निकाल दिया गया। और वो घराने जो चाहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रेगुलर इमदाद लें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हर किस्त लें, चाहे वो 10,500 की हो, 13,000 की हो या फिर 16,000 की, उनको पैसे मिले, तो वो ये वीडियो एंड तक देखें, मुकम्मल तरीक़ेकार आपने देखना है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मौजूद है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर आज की इस वीडियो को आप लोग ये समझे कि वाकई ही हेल्पफुल साबित हुई है तो आपने लाजमी से लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हर वो इन्फॉर्मेशन जो अच्छी हो और जो आप लोगों के लिए मुफीद हो वो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मिल सके। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको बताते चले, हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी होती है और पॉलिसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मद्देनज़र रख कर बनाई जाती है। अब सिर्फ तीन किस्म के जो घराने हैं सिर्फ वो आहल हुए हैं, जबकि बाकी ख़ानदानों को यहाँ पर नाहल कर दिया गया है, बाकी ख़ानदानों को यहाँ पर निकाल दिया गया है। अब वो BISP प्रोग्राम से पैसे नहीं ले सकेंगे, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले लें और आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल ना हो। तो आपको बताते चले, हुकूमत पाकिस्तान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजाफी बजट भी मंजूर किया था, जिसका मकसद ये था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो इमदाद है इसको बढ़ाया जाए और लोगों को और ज़्यादा शामिल किया जाए, और ज़्यादा लोगों को यहाँ पर शामिल करके उनको BSP प्रोग्राम में इमदाद दी जाए। क्योंकि हर साल आप जानते हैं हज़ारों लोगों की शादियाँ होती हैं और वो एक नया ख़ानदान बन जाते हैं, तो उन ख़ानदानों को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। जो एक शादीशुदा अफराद है उसको एक ख़ानदान तस्वर किया जाता है, और जो भी इमदाद देती है हुकूमत ख़ानदान के अंदर औरत को दे रही है, यानी कि जो औरत है उसको मैन समझा जा रहा है कि वो घर का सारा काम करती है, घर वो चलाती है, तो लिहाजा उसको ही यहाँ पर पैसे दिए जाएँ। तो ये पॉलिसी है। और दूसरा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे जो क्वेश्चन किया था वो ये था कि हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अभी तक किस्त नहीं मिली, क्या हमें नाहल तो नहीं कर दिया गया, क्या हमारा नाम इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले प्रूफ देखें और उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं। तो नाज़रीन, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाले जो भाई साहब हैं जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में चंद साल पहले सर्वे करवाया था, पहले भी इमदाद ली और अब दोबारा से फिर इसका हिस्सा बन चुका है, और इस ख़ानदान को यहाँ पर 18,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अगर आप पोर्टल पर जाकर इसका चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि वाकई ही इस ख़ानदान को यहाँ पर 18,000 रुपये की इमदाद मिली है। और इसी तरीके से आप भी ये इमदाद ले सकते हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके हालात बेहतर नहीं हैं, आपके हालात कमज़ोर हैं और आप चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से तान किया जाए, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ वो क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हुकूमत की तरफ से
तीन किस्म के घरानों को यहाँ पर निकाला गया है, जबकि बाकी लोगों को यहाँ पर नाहल किया जा रहा है। कुछ हुकूमत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि तीन किस्म के जो घराने हैं उनको हम नाहल कर रहे हैं और तीन किस्म के जो घराने हैं उनको आहल कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो छः पॉलिसियाँ बनती हैं। नंबर वन वो पॉलिसी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हुकूमत ने बारहा आपको ये कहा कि आप BASP के ऑफिस जाएं, 8171 हमारा कोड है, हम इसकी तरफ से मैसेज भेजते हैं आपको। जब ये यहाँ से मैसेज मसूल हो जाए और आपको बताया जाए, आपको इतला दी जाए कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में सर्वे लाजमी है, आपकी डायनामिक रजिस्ट्री लाजमी है या रोस्टर को अपडेट करवाया जाए, आप क्यों नहीं जाकर करवाते। हुकूमत ने आपको 30 जून का टाइम दिया, हुकूमत ने आपको 30 अगस्त का टाइम दिया, हुकूमत मजीद भी आपको टाइम दे रही थी, लेकिन आप मौजूदा हालात को देखते हुए हुकूमत ने कहा कि जिन लोगों ने 30 अगस्त तक सर्वे नहीं करवाया और उनको बेंसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रेगुलर इमदाद मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, तो उनकी आर्जी तौर पर जो पेमेंट है वो रोक ली गई है और ये पेमेंट तब मिलेगी जब वो BSP प्रोग्राम में सर्वे करवाएंगे। जो ख़ानदान अभी नए शामिल हुए हैं तो उसके उनको तो पैसे यहाँ पर जो है मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा जो पुराने हैं 2023 वाले हैं या अप्रैल मई से पहले वाले हैं, अगर उनको ये मैसेज आ चुका है कि डायनामिक रजिस्ट्री करवाएं तो वो ख़ानदान लाजमी जाकर रजिस्ट्री करवाए। नंबर टू, वो ख़ानदान यहाँ पर आप नाहिल होंगे, उनको यहाँ पर पैसे नहीं मिलेंगे जिनका गुर्बत का स्कोर 32 से तजावज़ कर जाएगा। इसके अलावा वो घराने भी यहाँ पर नाहिल होंगे जो टैक्स दहिंदगान की लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। कौन से लोग हैं जो टैक्स दहिंदगान की लिस्ट में शामिल किए गए हैं, इसका मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पे आपने देखा होगा कि FBR की जानिब से ये कहा गया कि आप फाइलर बने, जिनका बिजनेस चल रहा है, जिनका कारोबार चल रहा है, जिनकी सैलरी 50,000 से ज़ायद है, वो टैक्स दें। तो ऐसे घराने जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे करवाया आहिल हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई ज़मीन खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी या वैसे ही वो फाइलर बने और उन्होंने 1,000 या 2,000 पे भी टैक्स जमा करवाया है, तो टैक्स दहिंदगान कहलाएंगे और टैक्स दहिंदगान को इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता, इस पॉलिसी में शामिल किया गया है। बेंसिल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ इंतहाई गरीब घरानों के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा वो घराने जो बेंसिल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रेगुलर इमदाद ले रहे थे, हुकूमत ने उनको सर्वे का कहा, उन्होंने सर्वे करवा लिया, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। वो घराने जिन्होंने अपना रोस्टर को अपडेट करवाया, रोस्टर को कैसे अपडेट करवाया कि आपने अपने जो बच्चे हैं अगर बाद में आए हैं तो उनका आपने बेफार्म बनवाया और बेफार्म बनवाने के बाद आपने जमा करवा दिया तो आप एलिजिबल हैं। आपके यहाँ कोई बुज़ुर्ग है उसका डाटा पहले शामिल नहीं था, आपने उसका डाटा शामिल करवा के रोस्टर को अपडेट करवा दिया तो आप फिर भी यहाँ पर दोबारा से शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हुकूमत ने आपसे कुछ 63 सवालात भी दोबारा किए होंगे, जिसमें ये भी पूछा गया होगा कि आपके आमदन के ज़राए क्या हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, आपके बच्चे कौन सी क्लासों में पढ़ते हैं। तो इस तरह के जब आप यहाँ पर क्वेश्चन के जवाब देते हैं तो उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है और उसके मुताबिक PMT बनाया जाता है और आपको इसमें शामिल करके हुकूमत की तरफ से जो इमदाद है वो दी जाती है। तो अब यहाँ पे हुकूमत की तरफ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है कि इंतहाई जो गरीब घराने हैं उनको हर सूरत में सपोर्ट किया जाए, उनको यहाँ पर जो इमदाद है वो दी जाए। तो इस मकसद के लिए हुकूमत ने यहाँ पर मज़ीद जो घराने हैं वो भी शामिल किए हैं और बेंसिर कफालत प्रोग्राम में 13,000 रुपये की जो किस्त है वो भी आई है, लेकिन 13,000 रुपये की किस्त सिर्फ उनकी आई है जिनका कोई बच्चा या बच्ची बेंसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल है और उसका वजीफ़ा जो है 2,500 रुपये बन रहा है, तो उनको यहाँ पर 13,000 रुपये दिए गए हैं। जबकि पहली किस्त लेने वाले जितने भी ख़ानदान हैं जो फ्रेश किस्त ले रहे हैं और एक ही किस्त जिनकी रहती है, उनको 10,500 रुपये हुकूमत की जानिब से यहाँ पर अदा किया गया है।